अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। और नंबर सिस्टम क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, अगर आप इसकी बात करें कि स्मॉल टॉपिक से, छोटा टॉपिक नहीं है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में पहले हम, ये हमारी लेक्चर नंबर 5 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ओके, लेक्चर नंबर 5, दिस इज द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स, सर्ट्स, इंडिसेस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कभी कभी लॉगरिथम भी आ जाता है, लॉगरिथम को भी हम नंबर सिस्टम में ही ले लेते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन से आ जाते हैं, तो उसको भी हम नंबर सिस्टम में ही ले लेते हैं। तो जितने भी हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जो हमें कराने होंगे, तो हम इसी के नंबर सिस्टम के अंदर कवर कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको कहाँ से, सर्ट्स एंड इंडिसेस से। जो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं वो क्या है हमारा, सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो नंबर सिस्टम के अंदर ये सब टॉपिक में आ जाता है हमारा, सर्ट्स, सर्ट्स। हो सकता है बहुत से लोगों ने नाम ही नहीं सुना हो, भाई नाइन्थ क्लास में पढ़कर आ गया नंबर सिस्टम, पता होगा ये रूट टू क्या है, ये भी एक सर्ड है, क्यूब रूट टू क्या है, ये एक सर्ड है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि सर्ड है। सर्ड होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। इफ अ नंबर, इफ अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एस एन रूट ए, ओके, एन रूट ए, दिस एन इज नॉट मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, दिस इज द एनथ रूट, एनथ रूट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर रूट एंड द वैल्यू ऑफ एन इज 2, ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्यूब रूट द वैल्यू ऑफ एन इज 3, फोर्थ रूट द वैल्यू ऑफ एन इज 4, तो बेसिकली दिस इज द रूट, एनथ रूट ऑफ ए। तो सी वेयर ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, ओके, वेयर ए इज योर पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड एन इज द ऑर्डर ऑफ थर्ड, ओके। कोई भी नंबर जिसको हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नाइन्थ क्लास में पढ़ पढ़कर आ गया होगा सारे के सारे, कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली होगी, है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में निकालना आ गया होगा, सारी चीजें आ गई होंगी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, रूट टू भी पढ़ा है सबने, फैक्टराइजेशन भी पढ़ा है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना भी पढ़ा है, रेशनलाइज करना भी पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता कि थर्ड क्या होता है, उसमें जिक्र भी नहीं है, एनसीईआरटी में इस चीज़ का जिक्र भी नहीं है कि भाई ये थर्ड है एक्चुअल में। तो लेकिन ये एक्चुअल में थर्ड होता है। थर्ड क्या होता है, कोई भी नंबर जो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है जिसमें ए क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन होते हैं वो थर्ड कहलाते हैं, और जिसमें ये जो होता है एन जो होता है ये इसका ऑर्डर कहलाता है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द थर्ड। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सी, स्क्वायर रूट टू, ओके, दिस इज द थर्ड बिकॉज टू इज अ रेशनल नंबर एंड यहां पे टू तो लिखने की जरूरत होती नहीं है ना, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द थर्ड, ऑर्डर जो होगा वो टू हो जाएगा, क्यूब रूट थ्री, थ्री इज अ रेशनल नंबर एंड दिस इज द ऑर्डर, तो दिस इज द
दिस इज ऑल्सो अ थर्ड, फोर्थ रूट फोर, दिस इज रेशनल एंड दिस इज ऑर्डर। तो ये इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, थर्ड्स कहलाते हैं। ओके थर्ड्स। उसके बाद थर्ड के बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंट के रूल्स बता देता हूं, उसके बाद जो है ना इसमें ज्यादा थ्योरी है अभी नहीं। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के अंदर कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, गॉट इट? बट द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, इज इट ट्रू? ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मैं शायद आपसे डिस्कस कर चुका हूं, है ना? सी, अगर नहीं किया, अगर हम बात करें, देखो दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट नंबर वन, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ओके? एंड सेकेंड, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये दो बातें हैं। पहली बात क्या कहती है? पहली बात ये कहती है, देखो यहां पे बात चल रही है ऑलवेज की, है ना, समटाइम्स की बात नहीं चल रही। ऑलवेज की मतलब ये है कि जो बात बोल दी वो पत्थर की जबान है, उससे टस से मस नहीं होना, नहीं तो मतलब वो ऑलवेज का। शुड वाली कंडीशन भी आपके टस से मस नहीं होने वाली बात हो जाती है। तो पहली चीज कही ना कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, मतलब कि कोई से भी रेशनल नंबर ले लो, चाहे पाकिस्तान से उठाओ, चाहे बांग्लादेश से उठाओ, चाहे श्रीलंका से उठाओ, कहीं के भी रेशनल नंबर ले लो, रेशनल तो रेशनल ही रहेंगे। उनका सम क्या होगा? भैया रेशनल ही होगा। ये बात बोली बिल्कुल ठीक बात, आप कोई से भी टू रेशनल नंबर लेके देख लो, उनका सम क्या आएगा? रेशनल ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करें टू इरेशनल नंबर्स की, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, क्या ऐसा होगा? ऑलवेज या मे बी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो सी, अगर हम बात करें अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू की, तो अंडर रूट टू ऑब्वियसली एन इरेशनल नंबर, और ये भी इरेशनल था, तो ये कितना आएगा? बहुत से लोग तो इसे फोर लिख देंगे, बहुत से लोग जो है ना कुछ का कुछ लिख देंगे, इनको बहुत से टेंथ और नाइन्थ के बच्चों को इनको रूट में प्लस करना नहीं आता भाई, ताज्जुब की बात होती है। तो रूट टू प्लस रूट टू क्या होगा? ये होगा टू रूट टू, ओके, ये होगा टू रूट टू। ठीक है, ये बात हमारी फुलफिल हो गई कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, लेकिन यहाँ ऑलवेज वाली बात हुई कि हमेशा होगा। जरा एक चीज बताओ, ये क्या है? ये क्या है? दिस इज एन इरेशनल नंबर, और ये क्या है? सॉरी, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। इफ वी एड बोथ द नंबर 3 प्लस रूट टू प्लस 3 माइनस रूट टू, दिस रूट टू रूट टू कैंसिल, द आंसर इज 6, दिस इज इरेशनल। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा टू इरेशनल नंबर का सम इरेशनल ही आए, इट मे बी एन इरेशनल नंबर और इट मे बी अ रेशनल नंबर, एक कॉन्सेप्ट यहां से मिला। तो वो इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी हो सकता है, ठीक है? मैंने आपको एग्जाम्पल्स लेके बता दी, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिसमें दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ओके? उसके बाद थर्ड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि थर्ड्स हैं क्या। उसके बाद मैं आपको इनके ऑर्डर्स, इनको कंपेयर करना बताऊंगा, हाउ टू कंपेयर द थर्ड्स, थर्ड्स को कंपेयर कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी, थर्ड को कंपेयर कैसे करते हैं, कौन सी थर्ड बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो ये भी बहुत से लोगों को नहीं आता, ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीख जाओगे आज, ओके? तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन,
ओके नाउ अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन द थर्ड्स. ओके दिस इज टू, लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज स्क्वायर रूट टू, दिस इज क्यूब रूट थ्री एंड दिस इज फोर्थ रूट फोर. अगर मैं आपसे ये बात करूं, देखो ये तीनों थर्ड्स है ना, ऑब्वियसली ये तीनों क्या है, थर्ड्स हैं, और इनके ऑर्डर्स क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं. ठीक है, इनके ऑर्डर्स क्या हैं, अलग अलग हैं, जुदा हैं, मुख्तलिफ हैं एकदम. ठीक है, डिफरेंट. तो इसका ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर है टू, है ना. इसका ऑर्डर क्या है, थ्री. इसका ऑर्डर क्या है, फोर. तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज जब कंपेयर की जा सकती है जब वो एक जैसी हो. ठीक है, जब वो एक जैसी हो. अगर आपसे मैं पूछूं, आपके सामने एक अधेड़ उम्र का गधा लाके खड़ा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल 50 साल का है, और एक आदमी लाके खड़ा कर दूं 40 साल का है, और मैं आपको दिखा के कह दूं बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, बता दोगे? नहीं बता पाओगे, कभी नहीं बता पाओगे. तुम्हें क्या पता गधे की एज क्या है, इंसान का तो तुम्हें बता के ठीक है अंदाजे से बता दोगे, लेकिन गधे की एज नहीं बता पाओगे ना. लेकिन अगर दो गधे लाके खड़ा कर दिए जाए तो तुम उनको पहचान लोगे, हाँ ये बड़ा ही छोटा है, ऐसे इंसानों को पहचान लोगे. तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज जब कंपेयर हो सकती है जब वो सेम मिजाज की हो. क्या हो, सेम मिजाज की हो, सेम सेम कम्युनिटी की हो. ठीक है, सेम ऑर्डर की हो. तो थर्ड हमें कैसे कंपेयर करते हैं, थर्ड का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. यहां पे टू ऑर्डर है, यहां पे थ्री ऑर्डर है, यहां पे फोर्थ ऑर्डर है. तो हम क्या करते हैं, इसके ऑर्डर को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे. तो इनके ऑर्डर्स को इक्वल कैसे किया जाता है, तो ये जो है ना हमारा, इसका ऑर्डर कितना है टू, इसका ऑर्डर कितना है थ्री, इसका ऑर्डर कितना है फोर. अरे भैया देखो, इसको कहीं इसको मत समझ लेना ऑर्डर, इसको ऑर्डर मत समझ लेना. ऑर्डर क्या है, ये रूट, स्क्वायर रूट यानी कि टू, यहां पे तो ये टू आया, ये क्यूब रूट तो ये थ्री, ये आया थ्री, ये फोर्थ रूट तो ये आया फोर. ओके, तो इनके हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 12. ठीक है, तो इसके ऑर्डर को 12 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप रूट टू को कैसे लिख सकते हो ये बताओ पहले, 1/2. यानी के ऑर्डर कौन बता रहा है, ऑर्डर वो बता रहा है जो डिनोमिनेटर में नंबर है पावर के अंदर, वही तो बता रहा है. तो इसको 12 करना पड़ेगा ना आपको, इसको 12 करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे. अब भैया घर की खेती तो है नहीं अपने पास से, कर दिया है ना. तो जब आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो आपने इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2^6/12. यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 12th root 2^6. यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 12th हो गया, नहीं हो गया. अब आते हैं अपने अगले की तरफ. तो ये है कि एक्चुअल में, अब इधर देखो 3 को, इसको देखते हैं, इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो आप 3^1/3. इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करने का, यहां भी 4 से करना पड़ेगा. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12th root 3^4. इधर आइए आप, 4th 1/4, इसे किससे करोगे, 3 से, और इसे किससे करोगे, 3 से. तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 12th root 4^3. अब जरा ध्यान से देखिए, 2^6 किसके बराबर होता है, 4^3 यानी कि 64 के. ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 64 के. यानी के अब आप देख के बता सकते हो कौन सी क्वांटिटी इसमें ग्रेटर है, कौन सी क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि देखो इन सबके ऑर्डर्स क्या हैं, अब इक्वल हैं, और आप देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा आपका बड़ा होगा. तो कौन सा बड़ा हुआ हमारा, क्यूब रूट थ्री. बाकी ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है. कैसे बराबर है तो पता ही होगा, ये तो दिख रहा है, एग्जाम्पल ली है ना, इसका मतलब ये तो होता है 1/4, तो ये वही आया 2^1/2, यानी कि स्क्वायर रूट.
है ना। तो इस तरह से हम कोई भी थर्ड्स को कंपेयर करते हैं, कैसे, बाय मेकिंग द ऑर्डर ऑफ ऑल द थर्ड्स सेम। क्या करना पड़ेगा आपको, जितनी भी थर्ड्स हैं उनका ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इनके ऑर्डर्स को क्या करा, बराबर किया, इक्वल किया, यहाँ पे इक्वल किया, तो आपका ये नंबर्स क्या हो गए, कंपेयर हो गए। तो इस तरह से इसको नंबर्स को आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये आपके इस तरह से इसको कंपेयर करना हमने सीखा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं करवाऊंगा आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये आ भी चुका है नहीं आ चुका। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन। ओके, अब बात करते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, है ना। ये भी इसमें ये आता है और ये तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। थोड़े से लॉज होते हैं, थोड़े से जल्दी से कर देते हैं, दो मिनट लगेंगे। क्या होता है, फर्स्ट लॉ, इफ ए रेज़ टू द पावर एक्स इंटू ए रेज़ टू द पावर वाई, जब सेम बेसिस होती है पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, पता होगा आपको। सेकेंड, इफ ए रेज़ टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए रेज़ टू द पावर वाई, बेसिस सेम होते हैं, हैं, और ये डिवाइड हो रहा होता है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। थर्ड वन, ए रेज़ टू द पावर एक्स होल पावर वाई, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, फोर्थ, इफ ए रेज़ टू द पावर एक्स इंटू बी रेज़ टू द पावर एक्स, पावर सेम है बेसिस अलग है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगी। ओके, तो फिफ्थ वन, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर जीरो होती है तो वो वन के बराबर होता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने हैं, और ये क्वेश्चन करते टाइम देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चों को लगते हैं टफ हैं, क्योंकि पावर देख के डर लग जा रहा है कि इतनी बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं किसी नंबर के ऊपर, हमें कैसे पता चलेगा, वो चिड़ियाँ नहीं उड़ रही होती, रूल्स लगा के उसको चिड़ियों को उड़ाना ही होता है। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ओके, छोटा सा क्वेश्चन एक्सपोनेंट पे बेस, देखिए इसको करके देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन है, इफ टू रेज टू द पावर एक्स इंटू एट रेज टू द पावर वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू टू रेज टू द पावर वन अपॉन फाइव, ये दे रखा है, कॉमा देन एक्स is equal to, x is equal to option A। आसान सा क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, इसमें इजी क्वेश्चन करवाया बेटा आप लोगों को, माइनस वन अपॉन फाइव ऑप्शन सी, टू अपॉन फाइव ऑप्शन डी, माइनस टू अपॉन फाइव। ओके, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो सिंपल सा मेथड है, 2 रेज़ टू द पावर x, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3। देखो एक्सपोनेंट के अंदर एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि ये सेम बेसिस के ऊपर काम करता है, ज़्यादातर सेम बेसिस के ऊपर काम करता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बेसिस सेम बनानी है, और ये यही कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट के अंदर यूज़ करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 5, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 5। यहाँ क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 5। जब तक दोनों के बेसिस बराबर होंगे इसका मतलब क्या होगा, पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, x प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 5। सो डी इज द आंसर। ओके,
ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें तो कुछ ऐसा टफ नहीं था ना। ओके तो स्टूडेंट प्लीज इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। इफ इस तरह क्वेश्चन पूछा भी गया है, टू रेज़ टू द पावर एक्स माइनस टू रेज़ टू द पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर, देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू द पावर एक्स इज ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 256। देखो ये थोड़ा कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन ने, अगर ये खाली एक्स पूछता तो ऑप्शन से वैल्यू उठाते एक्स की जगह डाल देते, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना, ये स्क्वायर होगा जो भी होगा। तो अगर हम 27 की बात करें, 27 की बात करें, तो 27 है कि एक्चुअल में 3 की पावर 3 ना, तो 4 की बात करें तो क्या है, 4 है 2 की पावर 2, 1 की बात करें तो क्या है, 1 की पावर 1, और 256 की बात करें तो क्या है, ये 4 रेज़ टू द पावर 4। तो हमें वैल्यूज मिल रही हैं, यहाँ से मिल रही है एक्स की वैल्यू 3, यहाँ से मिल रही है 2, यहाँ से मिल रही है 1, यहाँ से मिल रही है 4। तो ज़रा चेक करके देखो कौन सी वैल्यू फुलफिल होती है, 3 डल के देखें, 8 माइनस 4 8, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 4, यही फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा। ये मैं आपको जो है कॉम्पिटेटिव मेथड से बता रहा हूँ, यहाँ पे जब हमने 3 रखा तो ये होगा 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, और ये कितना होगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 4, यानी 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर इज 27। क्यों, क्योंकि 3 आएगा तो 3 की पावर 3 कितना होगा, 27, यही आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका, 2 की पावर एक्स कॉमन ले लेते, कितना आएगा, 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 4। ओके तो ये कितना हुआ, 2 रेज़ टू द पावर एक्स 1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 4, यही तो आएगा, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 4। तो 2 रेज़ टू द पावर एक्स ये क्या होगा, पावर माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2, बेसिस सेम है, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3, यहां से भी 3 आ रहा है, वैसे भी 3 आ रहा था, दोनों तरीके आपके पास है, यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनी मेथड, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड टू सेटिस्फाई द वैल्यूज ऑफ x। ओके इफ यू सॉल्व लाइक दिस, तो दिस इज अ टू लेंथी मेथड, आई थिंक सो, तो ये बेहतर है, 3 की पावर 3 वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देखा हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैपेबल हैं कि कर पाएंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का, वैसे मैं करवाता नहीं हूँ, थोड़ा सा लेंथी टाइप वही करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ 9 रेज़ टू द पावर n 3 स्क्वायर 3 रेज़ टू द पावर माइनस एन बाई टू माइनस 27 रेज़ टू द पावर एन अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3 एम 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 27, ये रिलेशन आपको दे रखा है, आपको क्या बताना है, देन ऑप्शन ए कौन सा रिलेशन सही बैठेगा, m माइनस एन माइनस 2, ऑप्शन बी m माइनस एन माइनस 1, ऑप्शन सी m माइनस एन प्लस 1, एंड ऑप्शन डी m माइनस एन प्लस 2।
ये हमारे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को ये सॉल्व करके एक रिलेशन निकल कर आएगा, वही रिलेशन आपको बताना है। तो रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी बेसिस को सेम करो पहले, तो सारे एक्सपोनेंट के रूल्स लगाने के लिए सबकी बेसिस सेम करनी पड़ेंगी। तो ये क्या 3 9 रेस टू द पावर n है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9 रेस टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 3 रेस टू द पावर 2 n इसको इंटू 3 स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये पावर से पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 रेस टू द पावर -n हो जाएगा, माइनस एन की प्लस एन होगा क्योंकि ये माइनस भी तो है ना, ये प्लस एन हो जाएगा। और ये लिखेंगे -3 रेस टू द पावर 3 n 27 को 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर अपॉन 3 रेस टू द पावर 3 m, ये कितना है इंटू 8 इज इक्वल टू, राइट साइड पे लिखना है, राइट वाला हो जाएगा 3 रेस टू द पावर -3 1/27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 रेस टू द पावर -3 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यह 1/3 की पावर 3 होगा, जब ये न्यूमिनेटर में पहुंच जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो सी यहां पर रूल्स लगाओ आप पहले, 3 रेस टू द पावर ये क्या होगा, सेम बेसिस है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 2n + n कितना 3n 3n + 2 माइनस 3 रेस टू द पावर 3 n अपॉन 3 रेस टू द पावर ये कितना होगा 3 m और ये होगा इंटू 8 एंड दिस इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर -3। तो इसको यहां कर लेते हैं आगे फर्दर सॉल्व, तो इंप्लाइज दैट ये क्या है, आप यहां से क्या कॉमन लोगे, आप यहां से कॉमन ले लोगे 3 रेस टू द पावर 3 n, आपने 3 रेस टू द पावर 3 n कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा 3 स्क्वायर, यहां क्या बचेगा -1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 3 m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर -3। एक्चुअल में देखो ये क्या है, ये 8 ही तो है, 9 - 1 8 और ये 8, इसका मतलब क्या होगा, ये और ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या निकल कर आएगा 3 n - 3 m, देखो ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड का रूल लगेगा, इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर -3। तो बेसिस सेम है, इसका मतलब क्या होगा, पावर को कंपेयर कर दो 3 n - 3 m इज इक्वल टू -3, 3 कॉमन अगर लोगे तो n - m इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा n - m इज इक्वल टू -1, यानी कि ऑप्शन हमारे क्या हैं n - m, m हमारा प्लस में है, तो इसको अगर आप इस राइट लेके जाओगे ये क्या हो जाएगा m - n - 1 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा m - n - 1, b इज द राइट आंसर। ओके, तो कुछ नहीं किया बेटा हमने, इसमें किया क्या है, तो हमने इसकी जो ये था 9 है हमारा नंबर, हमने इसको 3 के बेसिस में ब्रेक कर दिया, यहाँ भी हमने 3 के बेसिस में ब्रेक कर दिया, और क्या किया इसमें कॉमन लेके इसको सॉल्व करके फर्दर एक रिलेशन निकल कर आया, और रिलेशन क्या है हमारा, ये बी जो आंसर है हमारा ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बात समझ में आई, ओके ठीक है, फिर नोट कर लो इसी बात पे। ओके, तो ये है हमारा कहानी जिसे कहा जाता है। अच्छा सी एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कह रहा है इफ a रेज़ टू द पावर x - 3 डॉट a रेज़ टू द पावर y + 2 इज इक्वल टू a² - a रेज़ टू द पावर x, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, एंड दूसरा रिलेशन आइए a रेज़ टू द पावर x - a रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 4, देन
आपको क्या बताना है इसमें, चेक करके बताना। ऑप्शन ए, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वन। ऑप्शन सी, x इज ग्रेटर देन y। एंड ऑप्शन डी, x इज लेस देन y। बड़ा ही फुर्सत में करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा माइंड यूज करके। ओके, तो माइंड कैसे यूज करेंगे, ये तो आता ही है सबको, माइंड कैसे यूज करेंगे, क्या है ये देखो, यहां पर आपका ए रेज़ टू द पावर एक्स माइनस थ्री, और ये है, इसे क्या हो रहा है, सेम बेसिस से मल्टीप्लाई करनी, पावर पे प्लस हो जाएंगे इसकी, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट, पहले इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ए रेज़ टू द पावर एक्स माइनस थ्री प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर टू प्लस एक्स, है ना। यहाँ से हम इक्वेशन बना के देख लेते हैं, हमारा अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी कंडीशन हमारी सही बैठेगी। तो यानी बेसिस सेम तो पावर सेम हो जाएंगे, इसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस थ्री प्लस वाई प्लस टू इजिकल टू टू प्लस एक्स, ये टू से टू गया और x से x गया, इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज दैट y इजिकल टू थ्री, ये आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी को। अब इधर आइए आप, ये कंडीशन दे रखी है, a रेज़ टू द पावर x प्लस वाई इजिकल टू ए रेज़ टू द पावर फोर, यहाँ से क्या निकल कर आया, x प्लस वाई, वाई नहीं है फोर है ना, ऐसा लग रहा है y, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इजिकल टू फोर, वाई कितना निकाला, थ्री, x प्लस थ्री इजिकल टू फोर और x इजिकल टू वन, तो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली y बड़ा है, कितना बड़ा है, y की वैल्यू फोर है, y की वैल्यू थ्री है, x की वैल्यू वन है, तो आंसर क्या होगा, डी, डी इज द राइट आंसर। ओके, कुछ तो नहीं था ना इसमें, देखने में लग रहा इतना खतरनाक क्वेश्चन का, ये रिलेशन कैसे बनकर आएंगे, हैं बच्चों वाले क्वेश्चन, आप लोगों के लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है अगर आप टेंथ कर आए हुए हो तो। स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन, ओके तो अब कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, ये तो खैर अच्छे थे, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन बुरे थे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन जो है ना, कुछ और अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे कॉन्सेप्ट लगे हैं इसमें। क्वेश्चन है, इफ ए रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज़ टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी रेज़ टू द पावर जेड एंड एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये कंडीशन हमें दे रखी है, क्या ए रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज़ टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी रेज़ टू द पावर जेड एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, देन वाई इक्वल्स, वाई की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, ऑप्शन बी एक्स जेड अपॉन टू टाइम्स एक्स माइनस जेड, ऑप्शन सी एक्स जेड अपॉन टू टाइम्स जेड माइनस एक्स, एंड ऑप्शन डी टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट देने वाला है, इसलिए जो क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट देता है ना, वो क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है और उस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ, मेरी आदत है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा माहौल बनाता हूँ कि क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है छोड़ दो इसको। देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी एनी टाइम इफ वन क्वांटिटी इज इक्वल टू अदर क्वांटिटी एंड विच इज इक्वल टू अनदर क्वांटिटी, सी वन क्वांटिटी इज इक्वल टू द अदर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द अनदर क्वांटिटी, तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ कुछ के बराबर मान लेते हैं, ठीक है।
अब पूछे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, अच्छा खासा ए दे रखा है, बी दे रखा है, सर जबरदस्ती लाके के इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो तरीका थोड़ा ही होता है सर, ए और बी और सी से ही कीजिए क्वेश्चन। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी कि हमारा एक्सपोनेंट जो है ना उसके अंदर एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है उसके अंदर? लिमिटेशन ये है कि जो उसके रूल्स है ना 90% रूल्स, वो कहाँ यूज होते हैं? सेम बेसिस के ऊपर यूज होते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ए की बेस अलग है, बी की बेस अलग है और सी की बेस अलग है, तो कौन सा रूल लगाएंगे इसके ऊपर? नहीं लगा पाएंगे ना। तो हम करेंगे क्या, हम इस ए को, हम ए की सेम बेस बनाने के लिए तो हम ए को क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकल कर आएगी के रेस टू द पावर 1/x। जब बेटा कभी एक क्वांटिटी राइट पे होती है ना तो ये पावर रेसिप्रोकल हो जाती है ना। और बी किसके बराबर है? बी हो जाएगा के रेस टू द पावर 1/y। और सी किसके बराबर हो जाएगा? इसी तरह से वो हो जाएगा के रेस टू द पावर 1/z। अब क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए क्वांटिटीज के अंदर दे रखी है क्या, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, सिंस बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, ये हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि बी की जगह आप क्या रखोगे, के 1/y स्क्वायर इजिकल टू के रेस टू द पावर 1/x इंटू के रेस टू द पावर 1/z। अब जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी ना, सेम बेसिस नहीं मिल रहे थे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, सेम बेसिस मिल गई नहीं मिल गई, तो इट मीन्स दैट, इट इंप्लाइज दैट के रेस टू द पावर 2/y इजिकल टू के रेस टू द पावर 1/x प्लस 1/z। सो बेसिस आर सेम, इंप्लाइज दैट पावर इज ऑल्सो इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, 2/y इजिकल टू 1/x प्लस 1/z। तो रिलेशन क्या निकल कर आएगा, वाई इजिकल टू 2xz/x प्लस जेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं था इसके अंदर। जब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, इफ वन क्वांटिटी इक्वल टू द अदर क्वांटिटी एंड विच इज इक्वल टू अनदर क्वांटिटी, आप क्या करोगे, उनको उसको के के बराबर रख दो। किसके बराबर? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, किसके इक्वल? हमने कहा के इक्वल। ये सब आपस में बराबर हैं, किसके बराबर है? के बराबर है। जैसे आपसे कहा गया तीन लोग हैं, तीन बच्चों का वेट जो है वो बराबर है, किसके बराबर है? 50 kg के, है ना। तो ये के क्या है, वो 50 kg ही है। तो इसको फिर हमने सेम बेसिस लगा के इसको अप्लाई कर दिया एंड देन सॉल्व किया। गॉट इट? कुछ नहीं है मुश्किल, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए, एक और बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बहुत आसान आंसर इस तरह के क्वेश्चन का एक ही रहता है। क्वेश्चन है, सी द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ एक्स रेस टू द पावर ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर बी होल पावर ए प्लस बी डॉट एक्स रेस टू द पावर बी अपॉन एक्स रेस टू द पावर सी होल पावर बी प्लस सी डॉट एक्स रेस टू द पावर सी अपॉन एक्स रेस टू द पावर ए होल पावर सी प्लस ए। भैया ये डॉट को डेसिमल मत समझ लेना, ये मल्टीप्लीकेशन की डॉट होती है और नीचे आती है, मैंने बीच में लगा दी, बीच में डेसिमल की लगती है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन की डॉट होती है, ठीक है, ये डेसिमल की डॉट नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों नंबर, तो वही है, इसमें एक्सपोनेंट के रूल्स लगाओ। अच्छा एक बात और तुम्हें मैं मूल मंत्र देता हूँ एक तरह से, कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना ज़्यादातर पावर देन रूल्स लगे देन पावर सो ऑन, उसका आंसर आता वन ही है,
ये पता होगा आप लोगों को, मैं आपको करके ही बता देता हूँ। तो ये कितना होगा, एक्स रेज़ टू द पावर ए, रूल माइनस का लगेगा ना, माइनस बी ए प्लस बी डॉट एक्स रेज़ टू द पावर बी माइनस सी बी प्लस सी डॉट एक्स रेज़ टू द पावर सी माइनस ए सी प्लस ए। फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लीकेशन होता है, नहीं होता? सेम बेस पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दिस इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर जीरो एंड द आंसर इज जीरो। जब मैंने एम यू का एंट्रेंस दिया था तो मैं यही करके आया था, एक्स रेज़ टू द पावर जीरो इक्वल टू जीरो, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे ही सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे 2006 में दिया था मैंने एंट्रेंस, 10th जब करा था तो ये क्वेश्चन आया था। मैंने पूरा क्वेश्चन इतनी मेहनत से सॉल्व किया, दिमाग लगा के उस टाइम पे 10th ही कर आया था, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एक्स पावर जीरो को मैं जीरो लिख कर आ गया, बाहर आ गया दिमाग, सर पकड़ा बोले क्या कर दिया ये, तुम लोग सर मत पकड़ना, समझ में आई बात। तो एक्स की पावर जीरो जो होता है, किसी भी चीज़ की पावर जीरो क्या होता है, वन। तो इसका आंसर क्या होगा, वन। गॉट इट? तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, इट इज, तो प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स रेस टू द पावर सी माइनस ए प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर ए माइनस बी प्लस एक्स रेस टू द पावर सी माइनस बी प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर बी माइनस सी प्लस एक्स रेस टू द पावर ए माइनस सी इज इक्वल टू। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा ना, मैंने भी सीढ़ी बना दी, देखो एक स्टेप नीचे फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर, लिखते रहें ध्यान नहीं रहा आप देगा कोई नहीं। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा ना कि सर कैसे करेंगे, इतना लेंदी क्वेश्चन है, परेशान कर देगा ये तो। चलो भाई देख लेते हैं, ऑप्शन ए क्या होगा, एक्स रेस टू द पावर ए माइनस बी माइनस सी, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी नॉट। नॉट बोले तो नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में तो लेंदी लग रहा है भी लेंदी अगर करेंगे, लेकिन समझ लोगे ना। कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनको जो है ना आंखों से सॉल्व कर दिया जाता है, किससे, अपनी दो आंखों से। 512 मेगापिक्सल का कैमरा होता है आँख का, ठीक है। तो इसको आई से सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे मैं सॉल्व करके पहले बता देता हूँ, फिर आप भी आई से सॉल्व कर ही दोगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिल जाएंगे ना आंसर समझ जाओ क्या होगा, क्या होगा वैसा आंसर, एक गैस जल्दी से। चलो देखते हैं, वन होगा सी, इसको मैं लिखूँ वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर बी अपॉन एक्स रेस टू द पावर ए प्लस एक्स रेस टू द पावर सी अपॉन एक्स रेस टू द पावर ए, एक एक करके काम करेंगे। प्लस इसके साथ भी वो ऐसा ही कुछ होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर बी प्लस एक्स रेस टू द पावर सी अपॉन एक्स रेस टू द पावर बी प्लस
वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर बी अपॉन एक्स रेस टू द पावर सी प्लस एक्स रेस टू द पावर ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर सी। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर ए, और ये जो बचेगा ये नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, ये एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, होगा ना। इसी के साथ भी वही हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्स की पावर बी अपॉन एक्स ए एक्स बी एक्स सी, इसी तरह से प्लस ये भी वही होगा एक्स सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए। यहाँ पे चाहो तो आप इसको पहले बी लिख दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बी लिख दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सबके डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, अलग तो है नहीं, सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर तो है ही तुम्हारे एलसीएम, होल क्वांटिटी इज कैंसिल, सो द आंसर इज वन, बी इज द आंसर। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब इस तरह के क्वेश्चन का मिजाज समझना, देख के अब आंखों में सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि ए है ना, ए बी सी, ठीक है, ये चीज आप देख के अंदाजा हो जाएगा इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या वन ही आएगा नहीं आएगा, तीन क्वांटिटीज है तो वन ही आएगा नहीं आएगा, तीन क्वांटिटीज है तीन सम हो रहे हैं, इसका आंसर वन ही आना है। तो इस तरह के मिजाज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर भी सबका वन ही आता है, 99.9%, 0.01% हो सकता है कोई ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन को, कुछ भी कर दे, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, रब करते करते भी थक जाता हूँ मैं भी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई रेस टू द पावर ए कॉमा वाई इज इक्वल टू जेड रेस टू द पावर बी कॉमा एंड Z इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर सी देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी की क्या वैल्यू होगी, ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। ओके, ये है मामला। तो देखो यहां पे एक साइकिल बन रही है, एक साइकिल बन रही है, एक्स वाई के टर्म में दे रखा है, वाई जेड के टर्म में दे रखा है, जेड एक्स के टर्म में दे रखा है। तो जब कभी साइकिल विद पावर होती है, साइकिल विद पावर हो जाती है, तो पावर का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वन। साइकिल विद पावर, साइकिल विद पावर, तो सी कैसे होगा मैं आपको सॉल्व करना बता देता हूं। तो सी इसकी बात करते हैं, ये एक्स किसके बराबर है, वाई रेस टू द पावर ए के, सिंस एक्स इज इक्वल टू वाई रेस टू द पावर ए। अब वाई को अपने पास रखो, वाई किसके बराबर था, एक्स इज इक्वल टू वाई किसके बराबर था, वाई जो बराबर था ये जेड की पावर बी के बराबर था, बाकी ये तो अपनी जगह पर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड रेस टू द पावर बी ए। अब जरा जेड बताओ किसके बराबर है, उधर देखो एक्स इज इक्वल टू जेड था हमारा एक्स की पावर सी के, और ये बी ए तो जगह पर है, इंप्लाइज दैट एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स रेस टू द पावर
ए बी सी बेसिस सेम पावर इक्वल, तो आंसर इज डी। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन। ओके, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन इज इफ टू रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री रेस टू द पावर वाई इज इक्वल टू सिक्स रेस टू द पावर माइनस जेड, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। देन वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन लेते हैं अपना, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी थ्री अपॉन टू एंड ऑप्शन डी माइनस का वन अपॉन टू। ये हमारा क्वेश्चन। ओके, तो इसमें भी वही है, क्या है, वन क्वांटिटी विच इज इक्वल टू अनदर क्वांटिटी एंड विच इज इक्वल टू अनदर क्वांटिटी, यही तो दे रखा है, तो वही करते हैं हम। इम्प्लाइज लेट लेट कि टू रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री रेस टू द पावर वाई इज इक्वल टू सिक्स रेस टू द पावर माइनस जेड दिस इज इक्वल टू समथिंग कुछ के, कुछ और भी मान सकते हो आप, मुझे के अच्छा लग रहा था मैंने के ले लिया, आप ए बी सी डी पी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, एक्स वाई जेड को छोड़ के। तो ये टू किसके बराबर आएगा, टू बराबर आ जाएगा के रेस टू द पावर वन अपॉन एक्स, थ्री किसके बराबर आ जाएगा के रेस टू द पावर वन अपॉन वाई एंड सिक्स किसके इक्वल आएगा के रेस टू द पावर माइनस वन अपॉन जेड। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना उसमें कंडीशन दे रखी थी हमें बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, तो हमने उसको कर दिया, यहाँ तो कंडीशन ही नहीं दे रखी। कभी कभी कंडीशन जो है ना वो कॉमन सेंस से निकालनी पड़ती है बेटा, ठीक है, कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो आप कंडीशन निकाल सकते हो, और नहीं है तो हो सकता नहीं, नहीं निकले, तो इतना मुश्किल नहीं है इसमें कंडीशन निकालना। सीधा सीधा प्रोडक्ट दे रखा है, सिक्स दे रखा है ना, तो सिक्स किसके इक्वल होगा, टू इंटू थ्री होगा, नहीं होगा, सिक्स किसके बराबर है, सिक्स इक्वल है के रेस टू द पावर माइनस वन अपॉन जेड के, और टू किसके बराबर है, टू बराबर है के रेस टू द पावर वन अपॉन एक्स के, और थ्री किसके बराबर है, ये है हमारा के की पावर वन अपॉन वाई। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि के रेस टू द पावर माइनस वन अपॉन जेड इक्वल टू के रेस टू द पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। ओके, तो इनकी बेसिस क्या हो गई, सेम हो गई ना, इंप्लाइज दैट माइनस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। तो यहां से क्या नतीजा मिला हमें, यहां से नतीजा यही तो मिलेगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड दिस इज इक्वल टू जीरो, आंसर इज जीरो ए। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था ये, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, कंपटीशन आपको हैंडल करना आ जाए, किस तरह से हैंडल करना है कंपटीशन को चुटकियों में, तो नोट कीजिए जल्दी से। ओके,
अगला सवाल, अच्छा सवाल, क्वेश्चन है, इफ 2 raised to the power x इज इक्वल टू 4 raised to the power y इज इक्वल टू 8 raised to the power z, ये कंडीशन दे रखी है एंड एक कंडीशन और दे रखी है, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z, ये दे रखा है 4 के बराबर। तो आपको क्या बताना है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की क्या वैल्यू होगी, वैल्यू एक्स, ऑप्शन ए 7/16, ऑप्शन बी 7/32, ऑप्शन सी 7/48, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये क्वांटिटी हमें दे रखी है, ओके। तो इसको भी आप क्या करोगे, कुछ k के बराबर मानना चाहो k के बराबर मान लो, है ना। तो ये क्या है, इसको गौर से देखें, implies that 2 raised to the power x इज इक्वल टू 2 raised to the power 2y इज इक्वल टू 2 raised to the power 3z, यानी कि बेसिस सेम है, एक तो कंडीशन ही आ जाती निकल के, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, ठीक है। या फिर एक काम ये कर लो, एक तो कंडीशन ही हो सकती है, इसको लगाने की जरूरत नहीं, आप क्या कर लो, इसको के बराबर मान लो। जब मैंने के का कॉन्सेप्ट आपको बताया है तो मैं के से ही करवा देता हूँ क्वेश्चन को, है ना। तो मुझे ये बताओ कि 2 किसके बराबर होगा, 2 इक्वल हो जाएगा हमारा k raised to the power 1/x के, है ना। 4 किसके बराबर होगा, 4 बराबर होगा k raised to the power 1/y के, और 8 किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा k raised to the power 1/z के। आप इसको हटा दो, आप इसको हटा दो, सी। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया 4 × 8, 4 किसके बराबर था k raised to the power 1/y के, और 8 किसके बराबर था k raised to the power 1/z के, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। तो यहाँ से ये जो हमने किया, आपने ये माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने इसी को क्यों मल्टीप्लाई किया, आपने इसको क्यों नहीं किया, या आपने इन दोनों को क्यों नहीं किया, या कोई और क्यों नहीं किए, इन्हीं को क्यों किया, ये थोड़ी घर की खेती है, आपने कुछ भी कर दिया। वजह है बेटा, यहाँ पे इसने x की वैल्यू पूछी है ना, तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ से, मैंने y और z इसलिए लिया है क्योंकि ये y और z का सम जो भी आएगा ये x के टर्म में निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला y और z जो है ना, इसको मैं x से रिप्लेस कर दूंगा, सीधे सीधे x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो इसलिए किया है इसको। तो ये 2 की पावर 5, अब 2 पता ही है किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा k raised to the power 1/y प्लस 1/z। तो ये क्या हो जाएगा, 2 किसके बराबर था जल्दी देखो, k की पावर 1/x के, तो ये हो जाएगा k raised to the power 5/x इज इक्वल टू k raised to the power 1/y प्लस 1/z, यानी बेसिस सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि 1/y और प्लस 1/z जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/x के। इसको मान लो इक्वेशन 1, ध्यान में रखना इसको हमने किया क्या। अब जरा इधर आओ, ये जो इक्वेशन थी ना 1/2x प्लस, यहाँ से 1/4 ही कॉमन ले लो सीधा सीधा, क्या बचेगा 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 4। समझ में आया क्यों किया ये, 1/y प्लस 1/z को किससे रिप्लेस करो, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल सर में दर्ज कर देते, तो इन वेरिएबल्स को कम से कम बनाने के लिए हमने यहाँ से इसकी हेल्प से इन दोनों वेरिएबल्स को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट किया 5/x में। तो यहाँ पे 1/y प्लस 1/z को 5/x से कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/2x रिप्लेस कर देंगे, सॉरी ये हो जाएगा 1/4 × 5/x फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू 4।
तो क्या रिलेशन निकल कर आएगा यहाँ से, इंप्लाइज दैट कितना होगा ये, देख लो यार क्या होगा, ये होगा हमारा 1/2x प्लस 5/4x इजिकल टू 4। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम तो तुम्हारा क्या रहेगा, 4x ही रहेगा ना, 4x ही रहेगा एलसीएम है ना, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 इजिकल टू 4। इसका मतलब क्या होगा, x इजिकल टू 7/60। ये कहानी है हमारी आंसर की, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द आंसर। ओके तो समराइज करते हैं जल्दी से क्या किया इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, समराइज करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी थी कि 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 8z। हमने वही किया जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, के वाला हमने वो हटा दिया जो हम यूज कर रहे थे, तो हमने क्या किया इसको के बराबर मान लिया। तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या आई, 4 की क्या आई और 8 की क्या आई, ये आपको दिख रहा है ठीक है। अब क्योंकि इसने x की वैल्यू पूछी हमसे, तो इसका मतलब ये y और z को अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं, x बना दूं इसको, तो सिंपली हमारी वन वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए हमने इसलिए इन दोनों को चुना, 4 × 8 है कि एक्चुअल में 32, और 32 होता है 2^5, 2 में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि ये इसके बराबर है। ये क्वेश्चन बना के हमने यहाँ एक रिलेशन निकाल दिया 5/x के बराबर। अच्छा 5/x रिलेशन आ गया, इसको इससे पुट किया और फाइनली वैल्यू निकाल दिया इसकी कितनी, 7/16। तो दिस इज द फाइनल आंसर, गॉट इट। ओके स्टूडेंट प्लीज नोट द क्वेश्चन, नोट डाउन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। ओके और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं उसमें से। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं, जैसे कि हमने आपसे ये कहा कि क्वेश्चन है ये 2012 और 13 में आ चुका है क्वेश्चन बेटा, 0.001 बार इज इक्वल टू 1/1 बच्चे कह रहे हो सर थक गए होंगे, इतने टफ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, थोड़ा सा इजी भी करवा दूं, 1/999 ऑप्शन सी, 1/990 एंड ऑप्शन डी 1/99। ये हमारा क्वेश्चन है ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा ये तो आपको पता होगा कि कितने बार्स हैं इसके ऊपर, कितने 3 बार लगे हुए ना, तो लेट एक्स इक्वल टू आपने क्या माना 0.001 बार, कितने पे बार लगे, 3 पे लगा है ना, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, तो 1000x इक्वल टू 1.001 बार। ओके फर्स्ट एंड सेकंड तरीका तो यही था, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते थे, सॉरी उल्टा कर दिया, ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे, तो 1000x माइनस एक्स इजिकल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार, कितना बचेगा 999x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 1/999। ये तो सबने कर ही रखा होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, सब लोगों ने एग्जाम दिया होंगे तो करके आए होंगे,
सिंपल क्वेश्चन है तो नोट डाउन जल्दी से। चलिए कुछ नंबर सिस्टम मैंने जो आपको थोड़ा सा पढ़ाया था उसके ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ना कि आपके नंबर सिस्टम की नॉलेज भी देखी जाती है ना। जो मैंने पूरा नंबर सिस्टम आपको फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था तो उसमें क्या था, रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था है ना, रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था और इंटीजर्स रेशनल नंबर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर सब बताया था मैंने। तो उसी की नॉलेज मैं चेक करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2011 एंड 2012 में। ओके क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दे रखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, पहला है स्टेटमेंट ए, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। और स्टेटमेंट बी, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन। ये तुम्हारी नॉलेज को निचोड़ के रख देगा क्वेश्चन, अगर सही में तुम्हारे समझ में आया होगा तो ये समझ में कर पाओगे, और बिल्कुल अगर समझ में नहीं आया होगा, देख के सरसरी तौर पे देख लिया होगा तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। पहली लेक्चर में हमने पहली वीडियो में इसीलिए वही चीज़ आपको पढ़ाई कि नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्यों सिक्स क्लास से आपको जो है ये नॉट पढ़ाया गया और टेंथ में आकर रियल नंबर्स पढ़ाया गया, मैंने सब बताया था आपको। तो उसके ऊपर भेज दिया क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन ए, ओनली ए इज ट्रू। ऑप्शन बी, ओनली बी इज ट्रू। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो हम स्टेटमेंट वन की बात करते हैं, कह रहा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर बेटा होते क्या है, पहली चीज तो ये बताइए, होल नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट करते हैं और नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जीरो इज नॉट द नेचुरल नंबर। तो पहले स्टेटमेंट क्या गलत है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, 2/5 क्या है, रेशनल नंबर है, क्या इंटीजर है? नहीं है। क्यों? मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि इंटीजर्स आर दो नंबर विच आर एब्सोल्यूट, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, बट ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होंगे, ये कभी डेसिमल वैल्यू नहीं होंगी। तो बात खत्म हो गई ना, तो 2/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। तो अगर ये बात उल्टी कहता कि एवरी इंटीजर इधर रेशनल नंबर तो वो तो सही थी, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ एंड बी आर फॉल्स। ओके तो इसको नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन
इफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट फोर डॉट 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 तीन डॉट ओनली रिमेंबर वन अपॉन रूट एट प्लस वन अपॉन रूट नाइन ठीक है ये क्वेश्चन है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी वन ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी थ्री ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अरे एक्स की वैल्यू ये है तो इतनी दे तो रखी है यही तो एक्स की वैल्यू है फालतू में एक्स की वैल्यू पूछ रहा अगर ये क्वेश्चन कह देगा सिंप्लीफाई तो फिर आपकी ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा जो कह रहा है वो तो करना है अपना मर्जी तो चला नहीं सकते तो सी ये जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे बेटा ये है वन प्लस रूट टू इसको आप पलट के लिख लो थोड़ा सा रूट टू प्लस वन ऐसे करके लिख लो मैं बताता हूँ क्यों ये ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा वरना रूट टू प्लस वन अगर इसको करके लिखोगे ना तो रेशनलाइज करने में ये डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा नंबर भी ठीक है तो जब आप इसको रेशनलाइज करोगे सिंपली तो क्या आएगा रूट टू माइनस वन नीचे क्या आएगा वन रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन क्या आएगा वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या आएगा प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू डिनोमिनेटर वन ही रहा प्लस रूट फोर माइनस रूट थ्री अपॉन डिनोमिनेटर वन रहा डॉट 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 रूट नाइन माइनस रूट एट मीटर तो यहाँ से मिजाज देखना पड़ेगा क्या देखना पड़ेगा मिजाज देखना पड़ेगा क्वेश्चन का ये रूट टू तो और ये इससे गया तो आपकी जितने भी क्वांटिटीज है ना देखो सी ये रूट फोर को यहां पर आएगा ये रूट एट भी निगेटिव वाले देखो सब कैंसिल हो रहे हैं पॉजिटिव वाले बच रहे हैं वो बात अलग है बाद में तो एक तो लास्ट में ये बच रहा है ये कैंसिल हो जाएगा इससे पीछे वाले में एक तो ये रूट नाइन बच रहा है और एक ये माइनस वन बच रहा है तो इसका मतलब क्या होगा रूट नाइन का मतलब क्या होगा थ्री और माइनस वन आंसर क्या होगा टू सी इज द आंसर ठीक है तो इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी एक बार जो है ना उसका रूट का मिजाज समझ लो मिजाज अगर एक बार समझ में आ गया तो चीजें आपके आसानी से समझ में आ जाएंगी ठीक है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ओके एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं वन मोर क्वेश्चन क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ये क्वेश्चन 2007 और 8 में आ चुका है बेटा है ना थ्री अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट टू प्लस टू रूट थ्री अपॉन रूट सिक्स माइनस
ये हमें कहानी दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसे सॉल्व करना, यही है ना? हाँ है तो यही ठीक। तो इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शन ए रूट थ्री, ऑप्शन बी टू रूट थ्री, ऑप्शन सी फोर रूट थ्री एंड ऑप्शन डी ज़ीरो। तो ये हमारा क्वेश्चन है 26, इसका ऑप्शन है सी। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, अलग अलग पार्ट्स को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप तो या तो चाहो सेपरेटली रेशनलाइज कर लो या वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेटली कर लेते हैं। तो क्या होगा, थ्री रूट टू इंटू क्या होगा रूट सिक्स माइनस रूट थ्री अपॉन, ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सिक्स माइनस थ्री, माइनस इधर भी आओ इंडिविजुअल कर लो फोर रूट थ्री इंटू अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट टू अपॉन सिक्स माइनस टू, ये आ जाएगा। इसको भी इंडिविजुअली कर लेते हैं, टू रूट थ्री इंटू अंडर रूट सिक्स प्लस टू अपॉन सिक्स माइनस फोर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी डायरेक्टली। तो ये कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री रूट ट्वेल्व ओके माइनस थ्री रूट सिक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये सब पता है क्या, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी किसके बराबर होगा, अंडर रूट ए बी के, ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल लगते हैं इसके अंदर, तो कन्फ्यूज ना होना इससे। अपॉन ये कितना आएगा, ये आएगा थ्री, अब आओ माइनस पे, ये कितना है, ब्रैकेट ले लो इसको क्योंकि माइनस पर ना एक मल्टीप्लाई करने प्रॉब्लम करते हो, तो ये हो जाएगा फोर अंडर रूट एटीन और माइनस थ्री टू द सिक्स माइनस फोर अंडर रूट सिक्स, ये आ जाएगा अपॉन फोर प्लस, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दो, टू अंडर रूट एटीन प्लस फोर अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। तो देखो यहाँ से थ्री कैंसिल हो रहा है, तो ये थ्री कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट ट्वेल्व, अंडर रूट ट्वेल्व को आप क्या लिख सकते हो, ये होता है फोर इंटू थ्री, तो ये टू रूट थ्री माइनस रूट सिक्स, देखते रहो, ये थ्री थ्री कैंसिल हो चुके हैं पहले ही कॉमन लेके, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे करते नहीं कॉमन लेके करते हैं, और ये भी फोर कैंसिल हो जाएगा है ना, तो इसको भी हटा देता हूँ मैं, फोर किसके बराबर, ये अंडर रूट एटीन किसके बराबर आएगा, माइनस लगे रहने देना, ये हो जाएगा थ्री रूट टू के, थ्री रूट टू माइनस अंडर रूट सिक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टू और टू कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस अंडर रूट एटीन क्या होगा, थ्री रूट टू, ये टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस टू रूट थ्री। इसमें कोई कन्फ्यूजन, अब इसको फर्दर जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, टू रूट थ्री माइनस रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू प्लस रूट सिक्स प्लस थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री, तो ये रूट सिक्स से रूट सिक्स गया, थ्री रूट टू से ये गया टू रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री कितना आएगा, फोर रूट थ्री, इसका आंसर क्या आएगा, फोर रूट थ्री, तो सी इज द आंसर ओके। तो एक बार देख लो इसको अच्छी तरह से, क्या किया है, कुछ नहीं किया इसमें, कैलकुलेशन किया है, रेशनलाइज करके कैलकुलेशन किया है और सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाली है जो कि क्या आई है, फोर रूट थ्री, सिंपल आंसर। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और हैं हमारे पास करने के लिए, और ये है क्वेश्चन सॉल्व।
टू रेस टू द पावर टू एक्स माइनस थ्री डॉट टू रेस टू द पावर एक्स प्लस टू प्लस 32 इक्वल टू जीरो। बेटा ये इक्वेशन दे रखी है ना, तो आपको क्या बताना है, इसमें सेट्स बताने कौन कौन सा आंसर इसका हो सकता है पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए 2009-10 में क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन ए है 2.3, ऑप्शन बी है 1.3, ऑप्शन सी है 1.2, ऑप्शन डी 3.4। ये हमारे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, और इन ऑप्शंस की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन 50 है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। डायरेक्टली आप क्या करोगे, ऑप्शन से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम करते क्या है, यहाँ से हम जैसे कि हमारा देखो 1 कहाँ कहाँ पर है, इन दो ऑप्शन में 1 है, पहले 1 चेक करके देखें, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो जब हम 1 रखेंगे वो 2 की पावर 2 4 24, 4 माइनस 24 कितना होगा -20, ये फुलफिल नहीं हो रहा भाई, 1 पे तो ये सेट ही नहीं हो रहा, 1 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कि दो ऑप्शन गए काम से। अब बात करते हैं हम 2 की, 2 पे चेक करो ये क्या होगा 2 की पावर 4 -3.2 की पावर 4 प्लस 32, कितना होगा 2 की पावर 4 16 -48 प्लस 32, यानी के 0 हो रहा है। देखो यानी के ये मतलब हुआ कि 2 पे तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, 1 पे नहीं हो रहा, तो दो ऑप्शन गायब हो गए, नहीं हो गए। अब हमें क्या देखना है, या तो 3 देखना है या 4 देखना है। तो 2 पे हो रहा है तो 3 पे होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे या 4 पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जब 2 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है तो हम क्या करेंगे 3 और देखेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन 3 है। तो 3 को चेक और चेक कर लेते हैं, जब 2 पे हो रहा है तो 4 पे भी हो रहा होगा, सीधा यही आंसर हो जाएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 पे अगर जब 2 पे हो रहा है तो फिर 4 इस पे भी हो रहा होगा 3 पे भी, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 है इस पे नहीं होगा तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी ना, 4 बिल्कुल ही अलग है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ नोट डाउन, शॉर्ट तरीका होता है ये करने का, इस तरह से इसको किया जाता है और नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ओके एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन है द सम ऑफ क्वेश्चन लिखिए आप एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इज फॉल्स, आपको बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन ए एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ऑप्शन बी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी डब्ल्यू इज एन, होल डब्ल्यू फॉर होल नंबर एंड एन फॉर नेचुरल नंबर। ऑप्शन सी देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एन टू गिवन रेशनल नंबर, यानी कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं,
तीसरा स्टेटमेंट ये हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर यानी कि नंबर लाइन पर कौन सा नंबर लाई करता है, एवरी रियल नंबर लाई करता है ना ऑन ए नंबर लाइन, तो कौन सा स्टेटमेंट इसे फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर और एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो एवरी इंटीजर तो रेशनल नंबर होता है ये तो सबको पता है, लेकिन एवरी होल नंबर जो है ना वो नेचुरल नंबर नहीं होता। और ये भी चीज सही है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं, और नंबर लाइन पर किसी भी यूनिक पॉइंट पे कौन सा नंबर ड्रॉ होता है, रियल नंबर ही ड्रॉ होता है। ओके तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, बस स्टेटमेंट कौन सा गलत होगा, बी, तो बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं थोड़े नंबर सिस्टम के, हम वो करेंगे। तो बेसिकली मेनली नंबर सिस्टम के टॉपिक्स थे वो तो हमने कर लिए, जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे कुछ लॉगरिथम है उसको भी हम इसी में कवर कर लेंगे, और जो कुछ क्वेश्चंस इनफाइनाइट चेन के होंगे वो भी हम इसमें से कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।